इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंडोरा ने अनाज मंडी नुहू स्थित इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी 25 फरवरी को बरवाला हिसार में आयोजित होने वाली किसान सम्मेलन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की है। फूल सिंह मंडोरा ने कहा है कि आज किसान दुखी और परेशान है। किसान को अपना लागत भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए कहना चाहता हूं कि किसान कहां जाए। पिछले 1.25 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है। इस सरकार ने उनकी कोई भी सुध नहीं ली। 700 से अधिक किसानों की मौत गर्मी और सर्दी की वजह से हुई। किसान को इस सरकार ने क्या दिया? ना ये किसान का साथ देते हैं, ना किसान को बचाते हैं। यह सरकार किसानों को बर्बाद करने पर लगी है। उन्होंने कहा है कि जो परवाला में रैली होगी उसमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला और पार्टी के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने वाले विधायक अभय सिंह चौटाला किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। किसान सेल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा जो 400 पार का नारा देती है, जनता को गुमराह करने का काम है। इनकी 400 सीट नहीं आएंगी और ना ही इनकी सरकार बनेगी। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी मजबूत होकर लड़ाई लड़ें, बीजेपी जेजेपी को प्रदेश व देश से बाहर करने का काम करें। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। मैंने पहले भी आपको अभी कहा था, मैं सबसे पहले तो आपके चैनलों का, सभी चैनलों का हार्दिक स्वागत करता हूं जो आपने इनालो की आवाज को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज किसान दुखी और परेशान है। किसान को अपनी फसल का लागत भाव बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसान कहां जाए। पिछले 1.25 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा, इस सरकार ने कोई भी उनकी सुध नहीं ली। 700 से के करीब किसानों ने की मौत हुई वहां पर। किसान को क्या दिया? न तो किसान की ये सुध लेते हैं और न ही किसान को बचाने लग रहे हैं। ये किसान को बर्बाद करने पर तुली हुई है ये सरकार। बरवाला में आपका जो कार्यक्रम है उसमें कौन से बड़े नेता शिरकत करेंगे, क्या कहेंगे? उसमें आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी और आदरणीय हमारे जो दिन रात आवाज उठाते हैं प्रदेश की, चौधरी अभय सिंह चौटाला शिरकत करेंगे और सभी वर्कर साथी वहां पर किसान सम्मेलन में भाग लेंगे। बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये एक जनता को गुमराह करने वाला काम है। ना तो इनकी 400 सीट आएंगी और ना ही इनकी सरकार बनेगी। मैं तो आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप मजबूत होकर के लड़ाई लड़ें, इसको बीजेपी और जेजेपी को इस प्रदेश और देश पर से बाहर करने का काम करें। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने थोड़े दिन पहले कहा था, अगर सभी साथी एक ना हुए तो ये बीजेपी सभी को जेल में डालेगी। इंडिया गठबंधन द्वारा लगातार जो भाजपा द्वारा इंडिया गठबंधन को जो लगातार झटके दिए जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहते हैं? देखो जी, वो तो काम कांग्रेस का या उनका, इंडिया गठबंधन में जो अब तक शामिल हुए हैं उनकी बात है। अभी तक तो हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए, तो हम क्या उसके बारे में नहीं कह सकते। अभय सिंह चौटाला की भी इंडिया गठबंधन में को लेकर पहले बातचीत थी और फिर कांग्रेस की ओर से फिर आपको कोई प्रस्ताव नहीं आया, इसको लेकर? आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले पहल की थी बीजेपी को देश से बाहर करने के लिए और इस देश को बचाने के लिए। हम पहल करते हैं, चाहे किसी के भी साथ गठबंधन करना पड़े बीजेपी को छोड़ करके, वो इस बीजेपी को हराने के लिए सबसे पहले पहल करते हैं और वो बाद में देखा जाएगा कौन किसके साथ आएगा। मेवात में लगातार इनेलो मजबूत हो रही है, तो इसको लेने का? इनेलो पार्टी ने मेवात में सबसे ज्यादा कार्य किए, मेवात को जिला बनवाया और मेवात को विकास कार्य करवाए, इनके बच्चों को रोजगार दिए और पढ़ाई का, स्वास्थ्य का और फसल का सबसे ज्यादा ख्याल रखा, सबकी सुध ली आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने शासन में। जिस तरह आज चंडीगढ़ बीजेपी आज इसी तर्ज पर 400 का नारा दे रही है धक्का स्याही करने के लिए, जिस प्रकार से चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव में 8 वोट कैंसिल कर करके अपना मेयर जितवाने का काम कर रही है, उसी प्रकार ये हरियाणा, ये सारे प्रदेश में और हरियाणा में भी इसी प्रकार से गुंडागर्दी से सरकार बनाना चाहती है। बहुत